माय डियर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। क्या अल्कली मेटल्स में से सबसे एस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन किसकी है, सबसे लीस्ट किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। लेकिन एक टेक्स्ट बुक में इसके वाले से बहुत खूबसूरत दो तीन लाइन लिखी है, सबसे पहले आपसे वो शेयर करूँगा, देन उसके बाद हम अपने इस पेज पे अपने जो कुछ राइट किए हैं आपके लिए उसको डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं माय डियर्स, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, किसी भी एटम की वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, न्यूक्लियस की वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स में क्या होता है, ये ज़्यादा ग्रेटर टेंडेंसी है टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है, एंड आर आई इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, यानी इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज कर लेते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी है जिसकी वजह से ये आई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी इसके ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो प्लस वन चार्जिंग के ऊपर होता है। बिकॉज ऑफ दिस दे आर वेरी लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू बड़ी कम होती है। मतलब इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस अपने बैलेंस शेल पे लगा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टूवर्ड इट्सेल्फ, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहेंगे। तो अल्कली मेटल तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करते, तो जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बड़ी कम होती है। ये वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, लिथियम 0.98, सोडियम 0.93, पोटाशियम 0.82, रुबिडियम 0.82, सीजियम 0.37। द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी अगर मैं डाउन द ग्रुप यानी इस तरह नीचे की जानब जाऊँगा, लिथियम सोडियम रुबिडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम इस तरह, ठीक है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, एटम का जो एटॉमिक साइज है, नंबर ऑफ शेल्स हैं, वो बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। अभी हम जाएंगे जो हमने आपके लिए नोट किया था रजिस्टर के ऊपर वो देखेंगे। देखिए माय डियर्स, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे प्रोपेडिक्टेबल में से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, तो फ्लोरीन की है हाईएस्ट, सबसे कम सीजियम की है, ये चीज़ें आपने याद रखनी, ठीक है। लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट, ठीक है, यानी अल्कली मेटल का सबसे सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज है और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है। क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करते हैं, ठीक है, इसके एटॉमिक साइज अगर आप नीचे की जानिब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करते हैं, ठीक है, जैसे वैल्यूज तो मैंने आपको बताया, लिथियम 0.1, सोडियम 0.9, पोटाशियम 0.8, रुबिडियम 0.8, सीजियम 0.7, ये वैल्यूज आप याद कर सकते हैं। एक दफा फिर मैं कंक्लूड करूंगा, अल्कली मेटल सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट शो वैल्यू शो करते हैं, या सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू कम होती है, और कम इस अगर आप नीचे की जानिब जाएंगे जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम या डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इसके एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती जाती है।